Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine Touch Healing Academy. Divine Touch में tarot के classes conduct होते हैं, आप online भी tarot reading सीख सकते हैं. ये prediction हो रहा है August month के लिए. कुंभ राशि का, Aquarius राशि का finance कैसे रहेगा? यहाँ पे आया है कि past में जो भी उनके साथ हुआ वो एक blessing था. उनको जो भी negative हुआ उसको positive way में सोचना है. और एक और लास्ट इंटरव्यू है या एक लास्ट अटेम्प्ट है जहाँ पे आपका फाइनेंस बढ़ने का चांसेस है और आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और अपना जॉब चेंज करेंगे या आपका फाइनेंस चेंज करेंगे. सॉरी, जॉब चेंज के लिए आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं. टेम्परेंस कार्ड आया है, मीनिंग आपको जब आप प्रीवियस छोड़ते हैं न्यू में जाते हैं दोनों को अच्छे से कंपेयर करना है. Which is best for you, वो आपको choose करना है. आपको location change करने की ज़रूरत नहीं है और आपको profile भी change करने की ज़रूरत नहीं है. So options same city से रह सकते हैं और same profile आपको मिल सकता है. For business आपको expand नहीं करना है. जो करंट बिजनेस है उसी में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जो आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देता है. उसके बाद आपको लोकेशन भी चेंज नहीं करना है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी और आपको ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है. सो जो सिचुएशन है अभी उसी में थोड़ा हार्डवर्क करके आपको आउटपुट बढ़ाना है, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ उसी से बढ़ाना है, फाइनेंशियल आउटपुट आपको उसी से बढ़ाना है. आफ्टर दिस रेमेडीज, कुंभ राशि वालों के लिए क्या रेमेडीज हो सकते हैं. फर्स्ट आपको अपने माता के ब्लेसिंग्स लेने हैं, माता की सेवा करनी है. उसके बाद आपको चांदी जरूर पहनना है, मदर से एक चांदी गिफ्ट लेके पहन सकते हैं. खुद चांदी के ग्लास में आपको पानी पीना है, माता को चांदी की थाली में खाना खिला सकते हैं और थोड़ा सा दूध आप नदी में बहा सकते हैं. इससे आपका विल पावर पॉजिटिव हो जाएगा और सफेद कपड़े आपके लिए लकी हैं. सफेद कपड़े आपके लिए आपके फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं. आफ्टर दिस आपको यंगस्टर्स को हेल्प करना है, आपकी एज ग्रुप के जो भी लड़की लड़कियां हैं आप अगर उनको कुछ गाइड कर सकते हैं, उनकी कंपनी आपके लिए लकी है. उसके बाद आपको तुलसी को पानी देना है, तुलसी को आप ग्रहण भी कर सकते हैं, पानी में डालकर वो पानी पी सकते हैं, तुलसी का अर्घ ले सकते हैं. गुरुवार का उपवास रखना है और फैमिली से मिलकर कोई भी डिसीजन लेना है और कोई भी चीज किसी से छुपानी नहीं है. गणेश जी की डेली पूजा करनी है, गणेश जी को ध्रुआ अर्पण करना है, अष्ट विनायक जाना है, क्रिस्टल गणेश अपने मंदिर में रखना है और उसे डेली वर्शिप करना है. शिवा पार्वती को भी अगर आप वर्शिप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, जिससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ सकता है. एक्वेरियस राशि को हमेशा पेशेंस रखना होता है, चीजें उनके लाइफ में बहुत स्लो आती हैं, तो बिकॉज वो शनि की राशि है उनको लर्निंग ज्यादा होता है लाइफ में और आउटपुट कम मिलता है. कुंभ राशि वाले वालों को पेशेंस बहुत रखना पड़ता है और हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है. सो हार्डवर्क कीजिए और अगस्त मंथ आपके लिए पॉजिटिव आया है. थैंक यू.